बीच में रहना चाहिए। आज के दिन कई कार्यक्रम मुझे बुलाए गए, एक इंटरनेशनल सेमिनार हो रहा है वेबिनार के माध्यम से, वहाँ 1 बजे तक मिला है, इसलिए लचारी है कि मैं पहले हूँ और मैं इस सभा से मैं इसके लिए क्षमा चाहूँगा आप सबसे। कार्तिक बाबू आज जयंती है, मैं तो सचिव अपने को मानता हूँ कि उनके साथ रहा था। पढ़ाई खत्म करने के बाद यूपीएससी की एग्जाम देने की तैयारी के लिए मैं दिल्ली जाता था। कार्तिक बाबू मंदिरों दिल्ली थे, मैं उनके घर जाता था, बातें होती थी और बहुत कुछ सीखा होता है। राजनीति में ये सीखा मैंने उनसे कि आप जनप्रतिनिधि बनते हैं और आप मंत्री घर में मंत्री, गांव गांव घूमिए, लोगों से मिलिए, लोगों की समस्या सुनिए और उसके निदान का रास्ता निकालिए, ये राजनीति की मंत्रता है। हम में से अधिकतर लोग एमएलए हो गए, एमपी हो गए, मंत्री हो गए, इसके बाद जनता से कट जाते हैं, चुनाव जीतते हैं दोबारा, लेकिन जनता से कटे हुए हैं वैसे लोग। लेकिन मैंने पाया जनता से जुड़े हुए, शुरू से आखिरी तक जनता से जुड़े रहे। आज भी गांव बिहार में मैं जाता हूँ, लोगों से काफी भी जैसे काफी बहुत आया करते, यहीं बैठे थे काफी बहुत, ये लोगों को दूसरे की चिट्ठी लिखते रहते। आज हम राजनीति में हम लोग हैं, कोई चिट्ठी नहीं लिखते, टेलीफोन से बात हो जाती है, हम बात करते हैं, लेकिन चिट्ठी आज के दिन भी चिट्ठी लिखने का मकसद अलग हो जाता है। लोग मुझे दिखाते हैं गांव में जाने पर, ये देखने का चिट्ठी संजोग के रखे उस चिट्ठी, उसको याद करते हैं, एक जुड़ाव होता है, कनेक्शन होता है लोगों और जनप्रतिनिधि के बीच। तो मैं आदित्य जी को राजनीति में भी आए हैं खास करके उनको बताना चाहूंगा कि आप भी ऐसा ही कीजिए, लोग टेलीफोन से बात कीजिए, लोगों से मिलिए, लेकिन कभी कभार कोई इस ऊपर चिट्ठी वगैरह चिट्ठी पत्रचार कीजिए, लोग उसको संजो के रखते हैं और किताब को याद करेंगे।